उत्तराखंड के लक्सर राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल लिमिटेड में आज खेल टूर्नामेंट का उद्घाटन करने उत्तराखंड के गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा पहुंचे, जहां उन्होंने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि उत्तराखंड प्रतिभाओं का प्रदेश माना गया है और उत्तराखंड में अनेक प्रतिभाएं छुपी हैं, बस उन्हें निखारने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तराखंड में छिपी हुई प्रतिभाओं को उजागर करने का काम शुरू कर दिया है। खेल कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर छुपी हुई प्रतिभाओं को उजागर करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि मैं देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इन कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया और सभी को अपने अंदर छुपे हुए कर्तव्य को सबके सामने उजागर करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इन प्रतिभाओं को निखारने में प्राथमिकता निभाई। वह साथ ही इस बार एशियन गेम्स भी उत्तराखंड की सरजमी पर होने जा रहे हैं, वहीं उनके लिए भी तैयारियां जोरों पर चलाई जा रही हैं और आज प्रदेश एक बहुत ही अहम नशे की समस्या से जूझ रहा है। नशे से निपटने के लिए खेल एक बड़ा संसाधन बन सकता है। देखिए, गन्ना पराई सत्र का मैंने जैसे आपको बताया है कि हमने लगातार 7 समीक्षाएं बैठकें कर चुकी हैं। सारी मिलों में, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सहकारी हो, चाहे वो सरकारी हो, लगातार रिपेयर के काम चल रहे हैं। कोशिश यही है कि जिस तरीके से पिछला पिराई सत्र अच्छा बीता है किसान भाइयों के लिए, कोई ब्रेकडाउन नहीं हुए, कोई चीनी मिलों में हमारी खराबियां नहीं आई, हमारे किसान भाइयों की जो फसल खरीदी उसको समय पे लिया गया मिलों के द्वारा। 26 लाख क्विंटल पिछले साल हम लोगों ने ज्यादा पिराया है और गन्ना किसान मूल्य जो था, जो गन्ने किसानों को पेंडिंग पैसा था, वो 2 महीने के अंदर अंदर सरकार ने क्लियर करके दिया। मई में पराई सत्र खत्म हुआ था, जुलाई में हमने 15 जुलाई तक हमने सारे पेमेंट क्लियर कर दिए थे सरकारी और सरकारी चीनी मिलों के। तो कोशिश यही रहेगी कि इस बार भी चीनी मिल अच्छा चले, व्यवस्था अच्छी रहे किसान भाइयों के लिए, चीनी मिलों के अंदर व्यवस्थाएं अच्छी रहें, उनके रहने की, उनके स्वच्छ पानी की, उनके टॉयलेट की व्यवस्था अच्छी रहे और उसके साथ साथ जो पराई सत्र है वो समय पे शुरू हो। 10 नवंबर का हमने टारगेट रखा है कि चीनी मिल के पराई सत्र शुरू करने का और उसके साथ साथ जो गन्ना मूल्य है उसके लिए कमेटी गठित कर दी गई है। कमेटी की रिपोर्ट जैसी आएगी, फाइनल स्टेजेस में है, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि गन्ना किसानों को कहीं ना कहीं सरकार निराश नहीं करेगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।